morning, all of you. I welcome you all in our YouTube channel. So, ये क्लास 5 का इंग्लिश का वीडियो है जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो चैप्टर कंप्लीट किया था द आइसक्रीम मैन. अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वंडरफुल वेस्ट. मतलब ऐसा क्या चीज है जिसको हम बहुत ही खराब चीज है, वेस्ट मतलब बर्बाद है, उसको हम बहुत खूबसूरत बना सकते हैं. हाउ डू वी मेक वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. और इस स्टोरी के बेस पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप ऐसा क्या चीज वेस्ट से बेस्ट निकाल सकते हो. इसको बोलते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. सो स्टोरी पढ़ते हैं. वंस द महाराजा ऑफ ट्रावेनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. सो एक महाराजा थे ट्रावेनकोर, एक जगह का नाम है इसलिए देख रहे हो कैपिटल में लिखा हुआ है ये पहला लेटर टी, जिन्होंने ऑर्डर दिया कि भैया एक शाही भोज होगी. ग्रैंड डिनर का मतलब होता है शाही भोज. इन हिज पैलेस, उनके महल में. पैलेस का मतलब होता है महल. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. सो दोपहर के समय डिनर करने से थोड़ा समय पहले महाराजा किचन में एंटर करते हैं, इसलिए सर्वे करने के लिए, देखने के लिए कि द डिशेस दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट क्या-क्या बना है और किस तरीके का बना है, किस तरीके का डिशेस बना है. फीस्ट का मतलब होता है भोज, ठीक है, जो भोज के लिए जो प्रिपेयर किया गया. सो व्हाट आर यू डूइंग टू डू विद दोस वेजिटेबल स्क्रैप्स. वो वेजिटेबल के जो स्क्रैप्स पड़े होते हैं, स्क्रैप्स का मतलब होता है कचरा जिसको हम काट के अलग कर देते हैं, जैसे छिलके वाले पार्ट हो गए या कुछ ऐसा पार्ट है जिसको हमारी जरूरत नहीं होती है, तो उनको दिखाते हुए महाराज पूछते हैं. यस द कुक, कुक का मतलब रसोईया से. पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक, कुक के पास पड़ा हुआ था स्क्रैप, उसको दिखाते हुए उन्होंने पूछा कि इससे आप क्या करने वाले हो. द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट, विल थ्रो देम अवे. उन्होंने उसने बोला कि ये सब वेस्ट है, मतलब खराब चीज है, इसको हम लोग बाहर फेंक देंगे. देन यू कांट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स. आप इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते हो. बिट्स एंड पीसेस का मतलब होता है इन टुकड़ों को, छोटे छोटे टुकड़ों को जो सब्जियों के टुकड़े हैं उनको बर्बाद नहीं कर सकते हो. फाइंड अ वे टू यूज देम, कोई तरीका निकालिए जिससे कि आप इस चीज का यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, ठीक है. एंड देन ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, उन्होंने बोला और महाराजा ने कमांडेड स्टर्नली. स्टर्नली का मतलब होता है बहुत ही कड़े शब्दों में बोला. एंड वॉकड अवे, और उसके बाद वहां से वो चले गए. द कुक वाज इन अ फिक्स. अब कुक असमंजस में पड़ गया. फिक्स का मतलब होता है, इन अ फिक्स का मतलब होता है कि अब क्या करें, इसको तो हमें फेंकना है लेकिन महाराज ने बोला कि फेंकना नहीं है, तो हाउ डू वी डू दिस थिंग, अब हम क्या कर सकते हैं. एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम्स. और उसके बाद वो घूर के उन वेजिटेबल्स को देखता रहा, ऐसा लग रहा था जैसे कि इसकी वजह से मुझे फंसा दिया है, अब मैं क्या करूंगा. सडनली अचानक एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया. ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल. उसने सारे उन टुकड़ों को उठाया, बहुत अच्छे से धोया, साफ किया. देन ही कट्स देम इनटू लॉन्ग स्ट्राइप्स. इसके बाद उसने लंबे लंबे पत्तों की तरह से काट दिया. मतलब स्ट्राइप्स का मतलब कैसे बताऊं, आप लोगों ने संयन देखा होगा तो दैट इज द वे आई एम आई कैन एक्सप्लेन की पतले पतले लंबे लंबे स्ट्राइप्स में उसने काट दिया. ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक. और सबको उसने एक बड़े से बर्तन में डाला और उसको पकाने के लिए छोड़ दिया. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम, लेट मी स्टोला. उसके बाद उसने क्या किया, ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. उसके बाद उसने कुछ ताजे कोकोनट के फल लिए, हरी मिर्ची ली, ग्रीन चिलीज मतलब हरी मिर्ची, and garlic, लहसुन एक साथ मिलाया. He added this paste and some salt to the cooking vegetable. उस सभी पेस्ट बनाया और उसमें कुछ नमक मिला के जो वेजिटेबल बना रहा था उसमें डाल दिया. A tempting smell started coming from the pot. A tempting smell का मतलब होता है एक
बहुत ही अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई उस बर्तन से। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। इसके बाद उसने क्या किया, कुछ कर्ड का मतलब होता है दही लेना, तो उसने दही वाइप किया, वाइप मतलब पोंछना यानी काट लिया, एंड एडेड टू द करी, कड़ी के अंदर डाल दिया। ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, और उसने उसमें क्या किया, कुछ चम्मच, 4-5 चम्मच, स्पूनफुल मतलब बड़े वाले चम्मच जो होते हैं, कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स उसमें डाले। और उसके बाद उसने क्या किया, उस जो करी बना रहा था उसमें करी पत्ता डाला, करी लीव्स का मतलब था करी पत्ता। लू एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वाज रेडी। और इसके बाद वो उसको रोका, उसने देखना शुरू किया और नया डिश रेडी हो चुका था जब तक वो पक गया। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और उसके बाद कुक ने क्या किया, उसी नए डिश को जितने भी गेस्ट आए थे, जो भी मेहमान आए थे, उनको सर्व किया। एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, और सभी उस नए डिश के बारे में जानना चाहते थे, उसका नाम क्या है वो जानना चाहते थे। कुक थॉट एंड थॉट, वो सोचता रहा सोचता रहा, देन अ नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट अवीवल। अचानक उसने बोला कि ओ वी विल नाम का दिया उसने। अवीवल बिकम फेमस फॉर ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेस इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम द बास्केट ऑफ वेस्ट। अब सोचो वो केरला का एक मतलब ट्रेडिशनल केरला फीस्ट है, मतलब कोई भी अगर भोजन होता है, भोज होता है केरला में, तो वो बनता ही बनता है, बिकॉज वो ऐसा डिश बन चुका था। अब आप सोचो कि वो ऐसा डिश कहाँ से बन के आया था, तो एक बास्केट से, एक टोकरी में जहां पे उसका वेस्ट था उससे बन के आया था। ऑलराइट, सो इमेजिन करो उस तरीके से कैसे बनाया जा सकता है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। आपको अपना एक आइडिया सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि आप किस तरीके से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना सकते हैं। जैसे आप पन्ने फाड़ के फेंक देते हो, उससे आप कुछ चीजें बना सकते हैं, यू कैन यूज फॉर सम अदर पर्पस एज वेल, यू नीड टू थिंक फ्रॉम इट। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू द डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर दिस लेसन।